अगर बिहार पुलिस के एक सीनियर एसएसपी रैंक का अधिकारी मिस्टर आशीष भारती तथा उनके साथ दो एसडीपीओ तत्कालीन कहलगांव के देसु जी और साथ साथ में संतोष कुमार जी सासाराम के, दोनों जगह आशीष भारती साहब आईपीएस पोस्टेड थे। आश्चर्य की बात है कि भागलपुर में वहाँ के एक पॉस्को जैसे कांड में, जो रेप विद पॉस्को केस में, अगर फाइनल रिपोर्ट अगर एसडीपीओ के सबमिशन पर सबमिट पर वहाँ भी एफआईआर सबमिट कर दिया गया, जिसको कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उनको नोटिस किया है दोनों को कि वे न्यायालय में हाजिर हों, बतावें कैसे उन्होंने सबमिट किया। चलिए एक बात, अब दूसरी बात देखिए, फिर अगेन रिपीट आईपीएस आशीष भारती जी फिर दोबारा इनके विरुद्ध फिर कोर्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट निवेदिता जी जो सासाराम कोर्ट में है, उन्होंने भी नोटिस किया वहाँ के एसडीपीओ और एसएसपी यानी कि वर्तमान जो वहाँ थे आशीष भारती साहब आईपीएस पर। यह आश्चर्य की बात है कि इतने वरिष्ठ अधिकारी पर दो बार कोर्ट भी अगर नोटिस करे, वो भी नोटिस कि पॉस्को एक्ट में फाइनल फॉर्म लगा करके अभियुक्तों को बचा देना, जो भी मामला हो अनुसंधान का विषय था तो न्यायालय फैसला करेगा इस पर नोटिस के बाद। और आश्चर्य करेंगे कि सासाराम में जो व्यक्ति मर चुका हो, उस मृत व्यक्ति पर अब पुलिस अगर ऐसे आईपीएस एसडीपीओ की मिली भगत से अगर मृत व्यक्तियों पर चार्जशीट अगर दे दिया गया तो सोच सकते हैं कि अब जिंदा व्यक्तियों का क्या होगा। ये छोटे से यूट्यूब के साथ हम चाहेंगे कि इस यूट्यूब पर आप बिल्कुल जो पुलिस के अधिकारी इस पर संज्ञान लें, एक्शन करें जनहित में, क्योंकि छोटे कनी अधिकारी सिपाही एसआई इंस्पेक्टर तक तो आपको आराम से एसपी साहब जो सजा होता है दे करके पूरा अखबारों में सुर्खियों में छप जाता है कि सस्पेंड हुए ये, लेकिन अब दोनों कोर्ट के नोटिस पॉस्को एक्ट में बचाना और मृत व्यक्ति पर चार्जशीट होने पर अब ये देखा जा रहा है कि इस पर आला अधिकारी आशीष भारती आईपीएस पर और साथ एसडीपीओ जो तत्कालीन कहलगांव के और साथ में सासाराम पर कौन सी कार्रवाई की जाती है। जनहित में, जय हिंद।